हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। हमारा टॉपिक चला था एनएलएम अर्थात न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम पढ़ रहे थे पहले लॉ के बारे में, ठीक है, जिसको अपन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए आइए अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन का मतलब गति के नियम, और गति का मतलब जब कोई वस्तु, देखना अपन ये से वापस स्टार्ट करते हैं। जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है एनएलएम की, इस सीरीज़ का एक ही पर्पज़ है आपको एनएलएम समझ में आए, मैकेनिक्स की छोटी छोटी टर्म समझ में आए, जितने भी टर्म है, जैसे भी टर्म है, जहाँ कहीं पर भी आप पढ़ते हो, जहाँ कहीं पर भी फिजिक्स में यूज़ होती है, वो सब चीज़ समझे अपन। ठीक है, तो आज मन कर रहा है आपको अपन डेफिनेशन पर बात करें किसकी, मोशन की। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं मोशन की। मेरे को पढ़ाना कुछ और था, अचानक माइंड में आ गया मोशन, तो इस पर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए मोशन को सिंपल कैसे अपन परिभाषित करेंगे, मतलब कैसे आप सेपरेट कर सकते हो कि ये जो वस्तु है वो विराम में है या कोई वस्तु मतलब मोशन में है। ठीक है, आप कैसे पता लगाते हो कि कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सुंदर सा छोटा सा कोई भाई है, ठीक है, अब वो बैठा है, ये मान लीजिए 2 साल का है। अब 2 साल का बच्चा है, छोटा सा बैठा है, ठीक है, अचानक उसको कुछ दिखाई दे गया, जैसे मान लीजिए कि उसको कोई कैट बिल्ली दिखाई देगी, है ना, ये बिल्ली, या मैं बिल्ली तो नहीं बना पाऊँगा, ये बना देते हैं, चिड़ी दिखाई देगी। ठीक है, अब वो चिड़ी को देखने के लिए इस तरह मतलब आता है, इसके पीछे दौड़ता है। ठीक है, तो कौन सी पोजिशन में वो रेस्ट में था और कौन सी में मोशन में था, बताइए। जब वो बैठा था, मतलब जब वो बैठा था तो वो किस में था, रेस्ट में था। अब जब वो चिड़ी को देखने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है, ठीक है, तो अब वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। इसका मतलब आसान हो गया। अब आप ये कहोगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबको ही पता है सर, इसमें कोई फिजिक्स वाली बात कहाँ भी आई, इसमें तो कोई भी बता देगा कि भाई ये रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन एक अराइज होता है कि जब कोई चलता है क्या तभी मोशन में होता है। ठीक है, जब कोई चलता है तभी मोशन में होता है। रुका हुआ व्यक्ति क्या कभी मोशन में नहीं होगा, बहुत सी बातें निकलती है कि नहीं। देखिए अपन पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, हर एक एक चीज़, छोटी छोटी टर्म्स, न्यूटन्स तो नाम है, ला मतलब नियम है, मोशन मतलब गति, तो फिजिक्स का जो काम की चीज़ काम पे निकलती है हमारे मोशन पे। इसीलिए अपन आज केवल किसको डिस्कस करने वाले हैं, मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, और लास्ट में अपन को मिलेगा कंक्लूजन कि मोशन किसे कहते हैं। आप फिर आसानी से बता सकते हो कि कोई भी चीज़ कब मोशन में है या और कब रेस्ट में है। ठीक है, तो बैठा था बच्चा, खेल रहा था, ठीक है, खेल भी नहीं रहा था, एक जगह बैठा था, फिर उसको अचानक चींटी दिखाई दी और वो चींटी को देखने के लिए इसके पीछे चलने लगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, पहले जब बैठा था तब आपने रेस्ट में बोला, जब चलने लगा आपने किस में बोला, मोशन पे। थोड़ा सा यहाँ पे स्टार डाल के वापस यही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कभी कोई चीज़ रुकी हुई मोशन में नहीं हो सकती क्या। सोचो, कोई ना कोई एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा जरूर है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं अपन, हाँ, आप घूमने के लिए कहीं गए, ठीक है, और ये थी आपकी सुंदर सी बस, क्या थी, बस इसमें आप बैठे हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, बस में आप बैठे रहते हो, चलते थोड़ी ना हो, लेकिन बस यदि आपकी 120 की स्पीड से चल रही है और यहाँ पर कोई सब्जी वाला है या कोई गाड़ी वाला है वो आपको देख रहा है, बताओ उसको आप किस में दिखाई दोगे, मोशन में। समझना, बहुत शानदार है। इस बच्चे को उठा के बस एज इट इज क्या बना दीजिए, बाहर बस बना दीजिए, एज इट इज बाहर क्या बना दीजिए, बस बना दीजिए। बस चल रही थी, मान लीजिए कोई ऐसे लग्जरी बस है जिसमें वेनिटी वैन होती है ना, जिसमें स्टार वगैरह रहते हैं ना, वैसे वेनिटी वैन है, ठीक है, उसमें वो बैठा था, ठीक है, बस चल रही थी, अब देखना वो बैठा था, क्या वो उस टाइम रेस्ट में था क्या। अब बताओ यदि कोई बाहर खड़ा है वो देख रहा है और वेनिटी वैन चल रही है, अभी तक चीड़ी नहीं आई है, अभी तक बच्चा केवल बैठा हुआ है, तो आप क्या बताओगे, ये रेस्ट में है या मोशन में है। समझ रहे हो, इसका मतलब गति हमेशा किसी न किसी के क्या होती है, सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति संभव नहीं है, निरपेक्ष गति संभव
नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट अपन क्या कहना चाह रहे हैं? कहने का मतलब मोशन हम ऑलवेज क्या रहेगा, रिस्पेक्टिव रहेगा। एब्सोल्यूट मोशन कभी एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स निरपेक्ष गति कभी भी संभव नहीं है। देखिए कैसे, वापस थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, जब बस नहीं थी तो बच्चा ही था, और जब बच्चा था उस टाइम चिड़ी भी नहीं थी, दैट मीन्स बच्चा बैठा था। बच्चा जब बैठा था तो क्या था, वो रेस्ट में था। अब उस टाइम बस नहीं थी तो जो ऑब्जर्वर है उसके लिए क्या, बच्चा कोई ऑब्जर्वर देख रहा है उसके लिए तो वो रेस्ट में था ना, है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने बस एज्यूम किया और वो बस को चला दिया हमने, तो वही बच्चा बैठा बैठा ही किस में आ गया, मोशन में। बैठा बैठा ही किस में आ गया, मोशन में। इसका मतलब कभी भी आपको मोशन को देखना हो तो मोशन हमेशा क्या होता है, रिलेटिव होता है। क्या होता है, रिलेटिव होता है। सॉरी मेरी ये राइटिंग ख़राब है इसलिए थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। गति क्या होती है, रिलेटिव होती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सर, जब सब गतियाँ रिलेटिव होती है तो फिर हमने एक परिभाषा पढ़ी है उसका कोई मतलब नहीं है। गति के लिए एक परिभाषा पढ़ी है, गति के लिए आपने क्या परिभाषा पढ़ी है, सोचो, पढ़ी ज़रूर आपने, सोचो सोचो तब तक याद करो। आपने मोशन के लिए डेफिनेशन पढ़ी है, चाहे कभी भी पढ़ी हो, सोचो 12th में पढ़ी होगी या 11th में जब आपने मैकेनिक्स शानदार तरीके से पढ़ी थी उस टाइम पढ़ी होगी, पर पढ़ी ज़रूर है। मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ, तब तक सोच लो आप, सोचो, स्टार्ट करें। आइए, गति के लिए आपने परिभाषा पढ़ी, जब कोई कण, क्या परिभाषा पढ़ी, जब कोई कण समय के सापेक्ष, जब कोई कण समय के सापेक्ष अपने, समझना समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है, अपने। अब जो वर्ड आएगा वो बहुत शानदार है, बहुत समझने लायक है। अपने कोऑर्डिनेट निर्देशांक को चेंज नहीं करता, बहुत शानदार वर्ड लिखा है। जब कोई पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज नहीं करता, उस समय नहीं करता है, तो उसे हम स्थिर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्थिर कहेंगे, ठीक है। अदरवाइज अपन क्या कहेंगे, अन्यथा वह किसमें होगा, अन्यथा वह गतिशील होगा, अन्यथा वह गतिशील होगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई पार्टिकल या यदि कोई बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अपने कोऑर्डिनेट चेंज करे तो वो गति में होगी। अब इसका एक तुरंत मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, वीडियो में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, और अभी जैसे मान लीजिए कि आज मैं घड़ी नहीं पहन के आया, 8:20 हुए, ठीक है। अब आप 9 क्लास में इंटर हुए, जैसे मान लीजिए अभी आप देख के चले गए और मैं ऐसे खड़ा था, ठीक है। फिर आप, ठीक है, देख के चले गए कि सर पढ़ा रहे हैं, मतलब इस पोजीशन में था। फिर आप 9 वापस आए, वापस आके देखा और मैं ऐसे ही खड़ा था, बताओ आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आप ये आते ही है कहोगे क्लास में एंटर होते ही, सर आप अभी तक यहीं खड़े हो, समझ रहे हो, दैट मीन्स सर आप गए नहीं, इन सेंस कि इधर उधर गए नहीं, है ना। इसका मतलब गति क्या है, गति का मतलब सिंपल सा है कि यदि कोई पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अपने कोऑर्डिनेट को चेंज नहीं करे तो वो क्या कहलाएगी, मोशन कहलाएगी, मोशन नहीं कहलाएगी, कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करे, देखना वर्डिंग समझना, तो वह रेस्ट में होगी। अब मैं 8:30 यहीं पे था, 9 यहीं पे था, जैसे मान लीजिए आप 11 आपने देखा सर आप अभी तक यहीं खड़े हो, दैट मीन्स खड़े हो, इन सेंस आप गति में नहीं हो। और यदि मान लीजिए आप जैसे देख के गए, सॉरी आज थोड़ी तबीयत खराब है तो प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए कि देख के गए, ठीक है, और 10 बाद आप वापस आए, इतने में जैसे मान लीजिए कि मैं अभी फिजिक्स लैब में हूँ, मैं क्लासरूम में चला गया, फिर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी खड़ा है, जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट है या मैम है या टीचर है, जो भी है, आप उनको पूछोगे सर कहाँ गए, अब ये बोलोगे ना सर कहाँ गए, गए मतलब गति, और गति मतलब मोशन। इसका मतलब मोशन क्या है, गति का मतलब बस इतना सा हुआ, यदि कोई कण विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अपने कोऑर्डिनेट को चेंज करता है तो वो गति में, वरना नहीं है। परंतु बहुत इंपॉर्टेंट चीज़,
परंतु क्योंकि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, अब आपके लिए इन डेफिनेशन से काम नहीं होने वाला। आपको आगे रिलेटिव मोशन भी पढ़ा है आपने, है ना, सापेक्षिकता का सिद्धांत भी आपको पढ़ना है या पढ़ा भी है आपने, ठीक है। तो आपको उस टाइम रियलाइज़ होगा कि सर ये थी 11-12 तक के लिए चलता है, बट आगे जब अपन स्टैंडर्ड जो देते हैं ना डेफिनेशन, उसमें सबसे बड़ी बात लिखते हैं कि गति हमेशा क्या होती है, सापेक्ष होती है। निरपेक्ष गति का कोई मतलब नहीं है। निरपेक्ष मतलब वापस आओ जल्दी से, ये देखो इस पर आपको डाउट हो रहा होगा कि सर ये क्या है, तो इसका मतलब ये है, निरपेक्ष का मतलब किसी के सापेक्ष नहीं। बोर्ड मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब कर दिया, निरपेक्ष का मतलब समझते हैं अपन। आइए, थोड़ी राइटिंग ख़राब है तो ये राइटिंग का इश्यू है बस थोड़ा सा ना, मैं कोशिश करता हूँ सुधारने की। आपने ऑफलाइन क्लासेस भी ली है तो आपको तो पता है ना। तो देखिए, आइए, निरपेक्ष का मतलब आपको मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, कभी आप भूलोगे नहीं। सापेक्ष निरपेक्ष इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहता ही है, ठीक है। देखिए, क्लास में हर प्रकार के स्टूडेंट बैठते हैं, वो चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, या मीडियम हो, या मतलब लो हो, ठीक है। तो एक टीचर के लिए सारे स्टूडेंट सेम होते हैं, तो मैं इस हिसाब से लेके चलूँगा आप सबको कि आप सब के लिए कुछ ना कुछ वीडियो में ज़रूर होगा। वो चाहे नॉर्मल है तो उसको कुछ सीखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसको नया कॉन्सेप्ट ज़रूर मिलेगा, वो बच्चे वाला बस वाला कुछ भी हो, एक नई चीज़ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं किसकी, निरपेक्ष की बात करते हैं, निरपेक्ष, ठीक है। तो देखो निरपेक्ष क्या होता है, परिभाषा समझो देखो, है ना। निरपेक्ष का मतलब होता है, मैं एक छोटी सी अपनी परिभाषा बना रहा हूँ, वो देखना आप। जब कोई देखने वाला नहीं हो, ये लो, या जब कोई देखता ही नहीं है, ये होता है निरपेक्ष का मतलब। कैसे, समझना आपको बच्चे वाला डायग्राम, ठीक है। ये मैं डेफिनेशन साफ कर रहा हूँ, यदि आपको लेना हो तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको मिल जाएगी कहीं पे, बट स्टिल आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। आइए, चलिए स्टूडेंट इसको साफ कर दें, मेरे को निरपेक्ष का मतलब समझाना है आपको, है ना। बात करेंगे अपन निरपेक्ष पे, चलिए आइए। आपको बस वाला अभी जो बनाया था बच्चे वाला, और डायग्राम एक बार के लिए वापस बना लेते हैं। ये कोई बच्चा आ गया सुंदर सा 2 साल का, ये हमने बस बना दी थी, ठीक है। राइटिंग खराब है, माइंड में मत लेना, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप खड़े हो, या आप सुंदर से आप हो गए, ठीक है। देखिए, हाँ, अब सर आप कह रहे हो कि निरपेक्ष जब कोई नहीं देखने वाला हो, अब ये फिजिक्स में थोड़ी लिखेंगे, बट ये बात सही है। मैं आपको हो सके उतनी सिंपल और लोकल लैंग्वेज से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसको समझ सको, ठीक है। इस आदमी को आप उठा के ले जाओ, इसको आप किडनैप कर लो, क्या कर लो, किडनैप कर लो, तो होगा क्या। अब इस बच्चे को कोई देखने वाला है नहीं है, समझना, ऑब्जर्वेशन देखना। अब ये यदि आदमी किडनैप हो गया तो हुआ क्या, अब यदि बच्चा बैठा हुआ तो बैठा हुआ ही है, अपन ये नहीं कह सकते कि वो सॉरी चलिए स्टूडेंट अब अपन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए, जब यदि इस बच्चे को कोई देखने वाला नहीं हो तो बच्चे के सामने खड़े हो जाओ। अब बच्चा रेस्ट में है, मोशन में है, इस व्यक्ति के लिए आप कुछ नहीं कह सकते, मतलब ये व्यक्ति क्या कहेगा। इस व्यक्ति को आपने किडनैप कर लिया, फिर आप उस व्यक्ति को पूछो कि बच्चा रेस्ट में है, मोशन में है, वो कहेगा मुझे क्या पता। क्यों, क्योंकि उसके सापेक्ष उसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे। तो निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि जब किसी के सापेक्ष नहीं, ठीक है। अब आप बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है तो बच्चे को छोड़ कर क्या हो गया, सारा का सारा हट गया, बंदे को आपने किडनैप कर लिया, बस को आप उठा के ले गए इधर उधर, तो अब इसकी मोशन होगी वो कौन देखने वाला है। जब देखने वाला नहीं है तो आप किसके सापेक्ष कहोगे कि क्या है, ये बच्चा मोशन में है या नहीं है। बस ही नहीं है, बस के सापेक्ष में नहीं कह सकते, ये आदमी इसको आपने किडनैप कर लिया तो बच्चा क्या, बच्चा अब चाहे दौड़े या घूमे। यदि कोई देखने वाला नहीं है तो आप इसकी मोशन को कुछ नहीं कह सकते, चाहे बच्चा दौड़े चाहे बच्चा कुछ भी करे। इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं अपन, जैसे मान लीजिए कि हाँ देखो, एक क्लासरूम, जैसे मान लीजिए कि आप लाडनू में रह रहे हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि छापर में कोई दौड़ रहा है या क्रिकेट खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, तो आप बता पाओगे उसको
नहीं बता पाओगे ना। इसका मतलब क्यों नहीं बता पाओगे कि इसको आप देख ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है तो उसका जो मतलब वेलोसिटी है या उसकी पोजीशन है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो भी जाए तो भी आपको कैसे पता चलेगा। तो इसका मतलब निरपेक्ष का मतलब ये होता है किसी के सापेक्ष नहीं, और निरपेक्ष गति कभी भी संभव नहीं है। निरपेक्ष गति कभी भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है आपको पता चला, एक एग्जांपल से और समझते हैं। अब थोड़ा स्टैंडर्ड समझ लेते हैं, ये तो कुछ छोटे छोटे क्या हुए एग्जांपल आए जिसको आप बेसिक लाइफ से आप रिलेट करके क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। अब थोड़ा सा अपन स्टैंडर्ड समझ ले है ना, निरपेक्ष का मतलब समझते हैं। निरपेक्ष का मतलब इतना सा है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बंदा है, ये T1 टाइम पर इधर था, फिर T2 टाइम पर आ गया इधर, किधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है चलो भाई। T1 T2 टाइम पोजीशन आ गया B, पहले इसकी R1 थी, फिर इसकी R2 हो गई और ये क्या हो गया Δr बोल देते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, आपको कैसे पता चला कि यह यहाँ से यहाँ आया? अब आप कहोगे कि सर इसमें पता चलने वाली कौन सी बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इसका मतलब ये जो मोशन हुआ ये किसके सापेक्ष हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब किसी न किसी के सापेक्ष, किसी न किसी के सापेक्ष। यदि ये नहीं होता तो आप कभी बता ही नहीं सकते कि ये मोशन में है या नहीं है। अब ये कहोगे कि सर ये कोई बात थोड़ी ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कौन देखता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कोई ना कोई क्या हो, ऑब्जर्वर हो, बिना ऑब्जर्वर आप कुछ पता ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मोशन का मतलब बस इतना सा रिजल्ट निकाल लें अपन जल्दी से ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अपन इसको जितना भी पढ़ा उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। मोशन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मोशन का मतलब सापेक्ष, निरपेक्ष गति कभी संभव नहीं है। अब मोशन की डेफिनेशन क्या निकाली, जब कोई पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपने कोऑर्डिनेट चेंज करता हो, और यदि नहीं करता हो तो कब स्थिर है कब गतिमान है, अब आप समझ गए होंगे, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, ये था वीडियो मोशन पे। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ठीक है। समझ आया तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी को मोशन में प्रॉब्लम हो तो वो क्या कर सके, इसको समझ सके और हंसते खेलते पढ़ सके, ठीक है। और फिर भी यदि आपको मोशन पे कोई डाउट रह गया हो, कोई भी क्यूरीज रह गई हो कि सर जैसे मान लीजिए कि आप पूछ सकते हो कमेंट सेशन में, पृथ्वी घूम रही है, अब उसको कौन देख रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी घूम ही रही है, हम थोड़ी ना बता सकते हैं कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे डाउट है, कुछ क्यूरीज होती है स्टूडेंट की ना, तो आप बेझिझक नहीं संकोच, देखिए यदि आप SMDT के हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, रोशनी वगैरह जो भी है, ठीक है। बाकी जो बच्चे वो यदि आप स्टूडेंट यदि आप कुछ भी पूछना चाहो तो आप YouTube पर कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक यू स्टूडेंट।